हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 प्लानिंग इन इंडिया। तो देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग बैकग्राउंड के ही चैप्टर पे चल रहे हैं। देखो, जानबूझ के मैं चीज़ों को छोटा छोटा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी चीज़ें, देखो हमेशा ये बात याद रखना, जब भी पढ़ना तो पढ़ते समय एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो। वो कॉन्सेप्ट क्या बना लो कि कम पढ़ो, और मतलब जैसे बहुत सारी बड़ी चीज़ें हैं ना, तो उसको छोटे पार्ट में कर दो, और छोटे पार्ट में करके धीरे धीरे उसको पढ़ना क्या करो, स्टार्ट करो, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करेंगे, क्योंकि जितना छोटा टारगेट बनाओगे उतना जल्दी उसको अचीव कर लोगे, ऐसे ऐसे करके पूरी किताब तुम जल्दी जल्दी क्या कर लोगे, ख़त्म कर लोगे। तो आपको ही पता है कि अब NPC जो 1938 में बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, और गवर्नमेंट जो है अब 5 ईयर प्लान के लिए जाने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई, ठीक है। और जो है इस पूरे सिस्टम को जो है करने का काम जो है बेसिकली सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण को दिया गया, और उन्होंने जो है 1950 में जो है सर्वोदय प्लान को क्या किया, पब्लिश किया। सर्वोदय प्लान बेसिकली एक कंस्ट्रक्टिव वर्क आइडिया है जो गांधी से लिया गया था, जिनके तमाम जो लोग अनुयायी, जिसको आप बोलते हैं फॉलोअर्स जो थे, है ना, जैसे कि आचार्य विनोबा भावे, वो भी फॉलोअर ही थे किसके, गांधी जी के। तो उसी से ये नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, सर्वोदय प्लान। तो अब जो है, अब भाई गवर्नमेंट तो आ गई है। अच्छा, मेजर आइडिया ऑफ प्लान वर हाईली सिमिलर टू द गांधीयन प्लान। मतलब अगर हम सर्वोदय प्लान का अगर हम कोई भी जो कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो जो मैंने भी गांधीयन प्लान पढ़ाया था, उसी गांधीयन प्लान का पूरा सब चीज़ है। ये भी बात कर रहा है, ये भी फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्मॉल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। किसी भी तरीके से आप विदेशी जो मतलब जो फॉरेन कैपिटल है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें, ना उसके टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, सेल्फ रिलायंस किया जाए, और जो क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज किया जाए, जिस मतलब अगर देश की प्लानिंग का काम हो रहा है तो उसमें सभी लोग क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो गांधीयन प्लान था उसी को कॉपी पेस्ट है कौन, सर्वोदय प्लान। सम ऑफ द एक्सेप्टेबल आइडिया ऑफ द प्लान गॉट दियर ड्यू इम्पोर्टेंस व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटेड व्हाट, 5 ईयर प्लान। मतलब इस सर्वोदय प्लान के बहुत सारे आइडिया को गवर्नमेंट ने लिया, तब लिया जब क्या बोलते हैं हमने 5 ईयर प्लान बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अच्छा, 1960 के बाद अगर तुम देखोगे तो जयप्रकाश नारायण जो है, अब वो गवर्नमेंट से थोड़ा सा नाराज हो गए थे। अब वो गवर्नमेंट से क्यों नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, उस प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में जो सेंट्रल है वो अपना रोल बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, ले रही है। समझ में आएगी नहीं, ये एक जानकारी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है रमेश सिंह ने, कि 1960 के दशक में तुमने देखा होगा, 1960s के टाइम पे देखा होगा, जयप्रकाश नारायण जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट की प्लानिंग प्रोसेस को लेके क्रिटिकल हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है ना। और वो बेसिकली क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी जो सेंट्रलाइजिंग नेचर है उससे गुस्सा है, और प्लानिंग के प्रोसेस में जहां पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी, वो नहीं हो रही थी, ठीक है ना। बेसिकली मतलब जो भी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। समझ में आई कि नहीं, MP MLA और ब्यूरोक्रेसी और स्टेट लेवल के जो पॉलिटिशियन है वो अपर लेवल पे ही सारा गेम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और इसी बात को लेके जो है जयप्रकाश नारायण जो थे वो नाराज थे। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण के अंडर में ही एक कमेटी बनाई गई 1961 में, कि भाई जो ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, इंडियन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, इस इंडियन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो सेंट्रलाइजिंग नेचर है इसके ऊपर आप एग्जामिन करो। तो इन्होंने एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के बाद इन्होंने कहा भैया कि भाई क्या बोलते हैं, द कमेटी पॉइंटेड आउट दैट आफ्टर हैविंग एक्सेप्टेड पंचायती राज एज द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, देर इज नो लॉन्गर longer any valid reason for continuing the individual allocation subject wise event to serve as a guide। कि भाई इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये फाइंडिंग निकाली कि जब हमारे पास पंचायती राज है, कि अगर हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, तो ये जो है प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में और इसके एग्जीक्यूशन के कॉन्सेप्ट में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। और जबकि और जो सारा काम है वो सेंट्रल लेवल से ही हो जा रहा है, तो इसी बात को लेके वो नाराज़ थे।
ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब बनाई तो गवर्नमेंट ने इनकी रिपोर्ट को लिया और लेने के बाद उसको क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, क्या फालतू है, कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा उसके बाद इन्होंने प्लान भी बनाए, गवर्नमेंट वालों ने प्लान बनाया, जैसे स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम बनाया, इंटेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया, और इन सब में जो पंचायत है उसको बाहर रखा। मतलब इन्होंने जब क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में केवल सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है और पंचायत लेवल पे कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है, केवल एमपी एमएलए और ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रल लेवल पे अपना गेम प्ले कर दे रहे हैं, स्टेट गेम प्ले कर दे रहे हैं, तो इन्हीं को बोला गया कि ठीक है भैया आप नाराज क्यों होते हैं, हम आप ही के अंदर में कमेटी बना दे रहे हैं, आप रिपोर्ट बना के दो। इन्होंने रिपोर्ट बना के दी, रिपोर्ट बना के उन्होंने वही बात फिर से बोली। जब उन्होंने बात फिर से रिपोर्ट बोली तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि इनके सारे जो इनके जो सुझाव थे उसको दरकिनार कर दिया और ये तमाम प्रोग्राम बनाया, और उस तमाम प्रोग्राम में जो है पंचायत को फिर से जो है प्लानिंग के एग्जीक्यूशन और उसके मतलब प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में उस पंचायत के पार्टिसिपेशन को भी क्या रखा, बाहर रखा। हाँ, ये पॉसिबल तभी हुआ जब हमने जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है उस प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं रोल प्ले कर रही थी। ये पॉसिबल हुआ जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, और 73rd और 74th अमेंडमेंट कब हुआ, 1992 में हुआ। इसी से जो है पंचायत को जो है और जो म्यूनिसपैलिटीज़ है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जो 1961 में कांड किया था, नाटक किया था, उसका जो आउटकम आया वो बेसिकली कब आया, 1991 और 1992 में, जब पंचायत को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो ये कह सकते हैं कि उनके आइडिया को विंडिकेट कब किया गया, उनके आइडिया को विंडिकेट किया गया 1992 के बाद, मतलब उन्होंने तब किया था, तब जाके हुआ कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं उसका भी रोल हो। किसका रोल हो बेसिकली, कि अगर प्लान बन रहा है देश के डेवलपमेंट के लिए तो उसमें लोकल गवर्नमेंट का भी रोल हो। द आइडिया ऑफ सम एरिया वाइज रिपोर्ट देख लो। देखो, अगर हम प्लानिंग की आइडिया की बात करें तो ये तो 1940 से ही प्लानिंग के ऊपर, प्लांट इकोनॉमी के ऊपर बात चल रही थी। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ रहे थे तभी से बात चल रही थी। जैसा कि इसमें लिखा ना, द आइडिया फॉर द नीड ऑफ प्लांट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर बाय द डेकेड्स ऑफ 1940s, कि 1940 से ही जो है प्लांट डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात हो रही थी। इट वॉज अंडर द पॉपुलर प्रेशर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टेकिंग सम प्लांड एक्शन इन द डायरेक्शन। और जब हमारे देश के लोग जो है गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर डालते थे तो वो जो है अपना कुछ जो है 1940s के बाद उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे एक्शन भी लेने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। और उसी में आपने बहुत सारी रिपोर्ट भी देखनी है, जैसे गार्डगिल रिपोर्ट ऑन रूरल क्रेडिट, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, केराकत रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है ना, कृष्णचारी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर प्राइजेस, और सरैया रिपोर्ट ऑन कोऑपरेटिव, अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑन एरीग्रेशन, ग्राउंड वाटर कैनाल, ETC, थे। इस सब के ऊपर जो है अपना रिपोर्ट क्या हो रही है, वो बन रही है, क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है ना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या करना, प्रेशर देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ऑल दीज रिपोर्ट दो प्रिपेयर्ड विद अ ग्रेट केयर एंड ड्यू स्कॉलरशिप, मतलब इन सब रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो मतलब जो बढ़िया बढ़िया स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। द गवर्नमेंट हैड हार्डली एनी जील टू इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन दियर फाइंडिंग्स। अब उस समय मतलब 1940 के बाद इन्होंने जो भी रिपोर्ट बना दी, तो रिपोर्ट बनाने के बाद अब गवर्नमेंट के पास चला गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है इनकी रिपोर्ट और इनकी फाइंडिंग्स को इंडिया के डेवलपमेंट में इसको अप्लाई तो उस समय करेगी नहीं, क्योंकि उतना उसके पास जील तो है नहीं, उतना दम तो है नहीं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इंडिया है तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पास तो है ना, क्योंकि अगर देश आज़ाद हो गया तो वो अपने लेवल पे तो प्लानिंग का कौन कर ही सकता है। तो वही बात ये लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, देर इज़ नो डाउट इन ड्राइंग द कंक्लूजन दैट प्रायर टू इंडिपेंडेंस देयर वॉज दस अ सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ एग्रीमेंट इन इंडिया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अदर ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। चाहे वो NPC बना, चाहे बॉम्बे प्लान बना, चाहे सर्वोदय प्लान बना, चाहे गांधीयन प्लान बना, चाहे वो गार्डगिल प्लान बना, चाहे जितने भी प्लान बने, ठीक है ना, सब एक अच्छे स्कॉलर्स के अंडर में बनी।
सब जो है बढ़िया बढ़िया जो थिंक टैंक थे उन लोगों ने बना दिए, ठीक है ना। तो इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि जब देश आजाद होगा तो उसका क्या शेप होगा, उसकी इकोनॉमी का क्या शेप होगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों ने प्ले किया, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो ब्रिटिश, चाहे जो भी हो उस समय का, सब ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है। देयर शुड बी, अब बात ये आती है कि क्या क्या, मतलब अगर हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, अब देखो ये समरी है एक तरीके से, ये पूरे बैकग्राउंड की मैं समरी बता रहा हूँ, तो पूरे बैकग्राउंड की समरी शुरू। देयर शुड बी अ सेंट्रल प्लानिंग इन विच द स्टेट शुड प्ले एन एक्टिव पार्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ रैपिड राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि देश की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, तो उसके लिए प्लानिंग की जाएगी। लेकिन प्लानिंग में सबसे ज्यादा रोल किसका होगा, स्टेट का होगा। ये ओवरऑल बात है कि जितने भी प्लान हैं ये डिसाइड हुआ कि स्टेट रोल ज्यादा प्ले करेगी। देयर शुड बी अ कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग इन ऑर्डर एमंग अदर थिंग्स टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टू द डिजायर्ड चैनल एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं बाहर से पैसा आ रहा है, कहीं कोई बाहर से कंपनी अगर आपके देश में आ रही है बिजनेस करने, तो उसको तमाम लाइसेंस से गुजरना पड़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है तो वो गवर्नमेंट के तमाम चैनल से होके उसको गुजरना पड़ेगा। ये अब फाइंडिंग्स है, मतलब एकदम कंक्लूजन वाली बात हो रही है। फिर व्हाइल देयर शुड बी अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज वॉज स्पेशली इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के हर मतलब इकोनॉमी के हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए आपको बेसिक इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, वो बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इन दिस स्टेट ओन्ड एंड स्टेट मैनेज इंटरप्राइज है एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और इसके लिए मतलब जितना भी क्रूड ऑयल से लेके कोल से लेके स्टील से लेके, ठीक है ना, फर्टिलाइजर से लेके, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को जो जो बेसिक इंडस्ट्रीज का काम करेगी, ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस करेंगी, मतलब ऐसी इंटरप्राइजेस करेंगी जो भारत सरकार के कंट्रोल में होंगी, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे लिखी है, मतलब ये ओवरऑल समरी है कि ये सारा डिसाइड हुआ कि 1950 के बाद जो देश का इकोनॉमिक शेप होगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ हाईली इंटरेस्टिंग, ये तीन बातें आपको याद रखनी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनो, इट इज हाईली इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव एग्रीमेंट एंड ओपिनियन वर रीच्ड थ्रू एन इवोल्यूशनरी मैनर इन लास्ट टू डेकेड्स बिफोर द इंडिपेंडेंस इन द डेलिबरेशन एंड एक्सरसाइज रिगार्डिंग द नीड फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग इन द कंट्री, कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और देश की इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो प्लानिंग के हिसाब से होगी। तो अगर हम 2 दशकों तक देखते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन तो ढंग से हुआ, इसका एग्जीक्यूशन 2 दशकों तक, आज़ादी के 2 दशकों तक ढंग से हुआ, लेकिन बाद में जो है इसका एग्जीक्यूशन जो है वो ढंग से नहीं हुआ। जो भी बॉम्बे प्लान या क्या बोलते हैं NPC था या जो भी चीज़ें थी, समझ में आया कि नहीं आया, उनका सबका एलोकेशन उन्होंने जो जो भी चीज़ें की, ठीक है, जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और उसको हमने समराइज करके 1950 के बाद अपने देश की पॉलिसी जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का काम करना स्टार्ट किया, तो 2 दशकों तक तो हमने बहुत बढ़िया किया, समझ में आया कि नहीं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, द प्लान प्रिपेयर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बॉम्बे प्लान एंड अदर एबव डिस्कस्ड प्लान, ठीक है ना, NPC और सर्वोदय प्लान को अगर हम छोड़ दिया जाए, तो NPC को छोड़ दिया जाए और सर्वोदय प्लान को छोड़ दिया जाए, तो सब प्लान में कुछ ना कुछ सीरियस लिमिटेशन थी, समझ में आएगी। ऐसा नहीं था कि प्लान में लिमिटेशन नहीं थी, सब में कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर थी, ठीक है। तो सबको कंबाइन करने के बाद भी हमने अपनी इकोनॉमी को जब चलाया, समझ में आया कि नहीं, तो 2 दशकों तक तो सही चलाया, लेकिन 2 दशकों के बाद हमने नाटक करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। वो आपको भी पता है वो नाटक कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो नाटक स्टार्ट हुआ इंदिरा गांधी से, ठीक है। तो वो पॉलिटिक्स की बातें हैं, उस पॉलिटिक्स की बातों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इंदिरा गांधी ने 1960 के बाद नाटक करना थोड़ा स्टार्ट किया, जैसा कि अभी करंट में मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरु जी, बाय बाय।